हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो की मदद से हम सभी जानेंगे आप कैसी फाई पर अपना पुराना मोबाइल किस तरीके से सेल कर सकते हैं, आपको कैसी फाई पर ठीक ठाक प्राइस मिल जाते हैं, लेकिन आप यदि चाहेंगे अपने मन मुताबिक प्राइस का तो वो आपको कैसी फाई पर नहीं मिल सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसी फाई पर किस तरीके से अपने पुराने मोबाइल को सेल करते हैं। कैसी फाई में मोबाइल सेल करने के लिए आपको कैसी फाई एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके पहले से ही रख लिया है। अब मैं एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूँ। आपको एप्लीकेशंस को ओपन करने के बाद इसमें साइन अप वगैरह सब कर लेनी है, जो कि बहुत ही आसान है। और यदि फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे एप्लीकेशंस ओपन होने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, आप यदि फोन सेल करना चाहते हैं तो यहाँ एक सेल फोन का जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने सारा ब्रांड आ जाएगा, जिस जिस कंपनी का मोबाइल होता है। ज्यादातर मैक्सिमम कंपनियां दिखाई देती, यानी कि एक तरफ से सोचिए तो यहाँ पे सारा कंपनी दिखाई दे रही है। एक दो कभी कभी हो सकता है कि ना भी रहे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम कंपनी, ज्यादातर कंपनी दिखाई दे रही है जो कि आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपनी यहाँ पर जो ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा सैमसंग है तो मैं सैमसंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपका जो भी है यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे कि MI, वीवो, वन प्लस देख सकते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम कंपनी यानी कि सारी कंपनी है, और यहाँ पे सारी कंपनी है जो जो न्यू है। तो यहाँ पे मैं सैमसंग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहां से देखिए सीरीज सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा सीरीज का है, जैसे कि देखिए ए सीरीज है, ई सीरीज है, और ग्रांड सीरीज है, जे सीरीज है, नोट सीरीज है, ऑन सीरीज है। यहां पे देख सकते हैं, यहां से अपने सीरीज को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहां पे मैं करता हूं ए सीरीज मैंने किया। अब देखिए यहां पर आपके सामने फिर ए सीरीज के रिलेटेड जितने भी सारे मोबाइल होते हैं सारा कुछ आ जाएगा। जैसे कि देखिए हमारे पास है A21S, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर 464 वाला मेरा फोन है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, आपको कितना प्राइस मिलेगा, 8120। यदि आप इस प्राइस में संतुष्ट है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से ऑप्शंस देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ में आपके सामने एक ऑप्शंस देखने को मिलेगा, गेट एग्जैक्ट वीडियो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगी। अब यहां पर देखेंगे गोट इट का ऑप्शन देखने को मिल रही, गोट इट के ऊपर क्लिक करनी होगी। अब यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। अब देख सकते हैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स देना होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस है कि यहाँ पे आपका मोबाइल जो है कॉल को रिसीव कर सकता है, आपका मोबाइल जो है कॉल रिसीव कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। आर यू एबल टू मेक एंड रिसीव कॉल, यानी कि आपका मोबाइल कॉल कर सकता है और रिसीव कर सकता है, यानी कि दोनों है इसमें। तो यदि आपका करता है तो यस करेंगे, यदि नहीं करता है तो नो करेंगे, ओके। और इसके बाद जो यहाँ देखेंगे, यदि आपका मान लीजिए एक होता है कॉल रिसीव, दोनों में से कुछ एक प्रॉब्लम है तो आप नो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम है आपके मोबाइल की स्क्रीन में, यदि है तो यस करेंगे और यदि नहीं है तो नो करेंगे। मेरे इस मोबाइल स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे आर देयर एनी डिफेक्ट, आपका फोन कहीं से भी आपका फोन का बॉडी वगैरह सब कहीं टूटा हुआ है, यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो नो करेंगे, मैंने नो कर दिया। इज योर मोबाइल अंदर ब्रांड वारंटी, यदि मोबाइल आपका वारंटी के अंदर है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ वारंटी के अंदर हमारा मोबाइल नहीं है तो मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर एक कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो भी प्रॉब्लम है आपके मोबाइल का, जैसे कि देख सकते हैं फ्रंट कैमरा नॉट वर्किंग, बैक कैमरा नॉट वर्किंग, आगे का कैमरा काम नहीं कर रहा है, पीछे का कैमरा काम नहीं कर रहा है, वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है, फिंगर टच काम नहीं कर रहा है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, बैटरी यहाँ पे फुल हो गई है, मतलब फूल गई है, और यहाँ पे देखिए स्पीकर सही नहीं है, पावर बटन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा है, फेस सेंसर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देख साइलेंस बटन काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे साइलेंस बटन जो वो एक होता होगा ये वाला, मतलब ये पावर वाला बटन शायद हो सकता है, ये वाला बता रहा है। और यहाँ पे ऑडियो रिसीव नॉट वर्किंग, तो यहाँ से अपना हिसाब से जो भी आपको यहाँ से मतलब करनी है सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे कैमरा ग्लास ब्रोकन, ब्लूटूथ नॉट वर्किंग, वाइब्रेशन इज नॉट वर्किंग, माइक्रोफोन नॉट वर्किंग, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है आप यहां से कर सकते हैं। और यदि आपको इंग्लिश समझ भी नहीं है तो आप ट्रांसलेट करके भी कर सकते हैं। और इसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं डू यू हैव द फॉलोइंग ओरिजिनल चार्जर और ऑफ डिवाइस, यदि आपके पास चार्जर है तो इसको ठीक करेंगे,
और यदि नहीं है तो टिक नहीं करेंगे। बॉक्स विद सेम आईएमआई, तो बॉक्स बॉक्स हमारे पास नहीं है बट आईएमआई नंबर है। बिल विद सेम आईएमआई, हाँ बिल है बिल्कुल हमारे पास है लेकिन बॉक्स नहीं है। अब यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद फिर से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस कितना दिखा रहा है, 6,380 रुपये दिखाई दे रहा है। ये प्राइस मुझे मेरे मोबाइल का मिल सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता है। तो यदि आपको लगे कि आपको यहाँ पर कम प्राइस दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर फ़ोन सेल नहीं करने चाहिए, तो बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना फ़ोन कहीं और भी सेल कर सकते हैं। और अभी आपने देखा कि शायद मुझे जो लगा कि इससे ज़्यादा प्राइस अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन जब मैंने सारा कुछ सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइस दिखाई दे रहा है। तो ये प्राइस मुझे मेरे फ़ोन, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोन को ऑर्डर के लिए लगा दिया है आप लोगों को जैसा मैंने दिखाया। अब यदि मैं चाहूँ तो यहाँ से कैंसिल ऑर्डर करके यहाँ से कैंसिल भी इसे कर सकता हूँ यदि मुझे पसंद नहीं आए, और यहाँ से मैं रीशेड्यूल भी कर सकता हूँ। रीशेड्यूल करने के बाद सिंपल से रीशेड्यूल करनी है, रीशेड्यूल भी कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने फ़ोन को इसी तरीके से सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बता रहा था कि आपके घर पे बंदे आएंगे, मतलब आपके एड्रेस से बंदे आएंगे, और इसके बाद जो आपके फ़ोन पिकअप करने के लिए आएंगे, आपको पेमेंट करेंगे। तो मैं बता रहा था कि आपके अकाउंट में जब पैसे आ जाए तो ही आप मोबाइल जो है उनको ले जाने दें, वो भले ही देख सकता है, कोई प्रोसेस कर सकता है ऑनलाइन आपके जब आपके पास पिकअप करने के लिए आएगा, लेकिन ऐसे आपका मोबाइल उनको नहीं दे देनी है ले जाने के लिए। और इसके बाद जो यहाँ से आप अपनी फ़ोन को सेल कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि बैंक अकाउंट आपको कैसे ऐड करनी, तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए प्रोफाइल का आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और माई अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करनी है। सेव पेमेंट ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करनी है, देख सकते हैं सेव्ड पेमेंट ऑप्शंस, और इसके बाद बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करनी है, और यहां से एड न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप अपने न्यू बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल न्यू तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेल करता है। आज के लिए बस इतना, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में।